आज से लगभग 1 से 2 साल पहले की बात है, जब मैं BGMI पबजी मोबाइल खेला करता था, तब मुझे गेम के अंदर दो दोस्त मिलते हैं। वो दोनों हरियाणा के नूह से थे। आपको पता नहीं होगा तो गूगल कर लेना, आपको पता चल जाएगा। हरियाणा में एक जगह है नूह, नूह से थे दोनों। एक का नाम था आरिफ और दूसरे का नाम था विक्रम। और वो लोग गेम के अंदर अच्छे दोस्त तो थे ही, लेकिन जब मेरे को उनके रियल लाइफ के बारे में पता चला तो वो दोनों रियल लाइफ में भी एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। वो दोनों मेरे से बताते थे कि हम भले ही अलग अलग रिलीजन से हैं, लेकिन हम एक दूसरे को भाई जैसे मानते हैं, एक दूसरे के बहुत तगड़े दोस्त हैं, हम एक थाली में खाना भी खा लेते हैं। और इतना ही नहीं, वो दोनों एक दूसरे के फेस्टिवल भी साथ में सेलिब्रेट करते थे। लेकिन क्या होता है, एक दिन अचानक से 31 जुलाई 2023 को नूह में, हरियाणा के नूह में कम्युनल वायलेंस और टेंशन शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से काफी सारे लोग इंजर्ड भी होते हैं और कुछ लोगों की डेथ भी हो जाती है। इस कम्युनल वायलेंस को लेकर के उन दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति खटास उत्पन्न हो जाती है, जिसकी वजह से जब कम्युनल वायलेंस होते हैं, विक्रम हिंदुओं की तरफ से लड़ता है और आरिफ मुस्लिमों की तरफ से लड़ता है। कुछ दिनों बाद जब वायलेंस खत्म हो जाता है तो आरिफ विक्रम की घर के तरफ जाता है तो उसको एक आधा जला हुआ बैट मिलता है, और वो वही बैट था जिसको लेकर के आरिफ और विक्रम एक दूसरे के साथ क्रिकेट खेला करते थे। तब उस दिन आरिफ की आंखों में आंसू थे कि एक दिन हम दोनों साथ में खेला करते थे, और उस दिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि हम दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। उस दिन आरिफ को शायद एहसास हो जाता है कि जो नफरत की आग होती है, कम्युनल वायलेंस होते हैं, कास्ट बेस्ड वायलेंस होते हैं, इनकी वजह से सिर्फ जाने नहीं जाती, इनकी वजह से आपसी सहयोग, प्यार, दोस्ती, भाईचारा सब कुछ खत्म हो जाता है। रिसेंटली उत्तर प्रदेश के बहराइच में कुछ ऐसे ही कम्युनल वायलेंस और टेंशन देखने को मिले हैं, जिसमें एक लड़के की जान तक चली गई है। इसलिए मेरा देश के लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि भाइयों, इन नेताओं के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ो। ये अपने बच्चों को बाहर विदेशों में पढ़ने के लिए भेजते हैं और आप लोगों के हाथ में धर्म का झंडा पकड़ा देते हैं ताकि आप एक दूसरे का खून करो और इनकी वोट बैंक की राजनीति और इनकी दाल रोटी चलती रहे। सो सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने भाइयों को, अपने बच्चों को इन कम्युनल टेंशन से दूर रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, टाइटन्स आउट।